अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप सबकी रिक्वेस्ट में मैंने आज मेकअप का वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेरा मेकअप। तो पहले हमें करना है हमारे फेस को मॉइस्चराइज। उसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ निविया की मॉइस्चराइजर क्रीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लाइट वेट है, ऐसा लगता भी नहीं है कि कुछ लगाया है, और चिपचिपाहट भी नहीं है इसमें। तो ये देखिए एकदम अच्छी है। उसके बाद हमें लगाना है प्राइमर। तो ये है मेरा कुछ तो ऐसा ही लोकल सा प्राइमर है, मैंने भी मुंबई से लिया था ये प्राइमर, मुझे नाम इसका याद नहीं है इतना। तो वो प्राइमर लगाया है मैंने पहले। आप जो भी आपके पास प्राइमर है आप वो लगा सकते हो, आप बस स्टेप देखो। तो ये मैं मिरर यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं बैक कैमरे से शूट कर रही थी। तो अब पहले हम करते हैं हमारा आई मेकअप। आई मेकअप के लिए पहले लिया है मैंने पैलेट, उससे मैं हमारे आईब्रोज बनाऊंगी। आईब्रोज के लिए मैं ब्लैक और ब्राउन कलर मिक्स करके लगाती हूँ, क्योंकि पूरा ब्लैक मुझे बहुत ज्यादा और दिखता है और ब्राउन बहुत ज्यादा लाइट दिखता है। इसके लिए मैंने ये दोनों को मिक्स किया है तो ये परफेक्ट शेड बन जाता है। तो ये देखिए ऐसे मैं अपने आईब्रोज को कर रही हूँ शेप। और आईब्रोज का पाउडर भी मिलता है जो कि ब्रोज पाउडर कहते हैं उसे, लेकिन मुझे ये भी अच्छा लगता है। मतलब मेरे पास वो है लेकिन मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता, मेरे पास जेल है एक्चुअली। मुझे पाउडर लेना है, मैंने अभी तक लिया नहीं है। और ये फर्स्ट साइड हो गई है, देखो अभी मैं सेकंड साइड कर रही हूँ। तो ये भी बहुत मतलब आईब्रोज ही मेन होते हैं मेकअप में, वो ही अगर अच्छे नहीं दिखेंगे तो कैसा। फिर इसके लिए परफेक्ट होना चाहिए कलर, ज्यादा ब्लैक भी हो जाए ना तो फिर भी वो अच्छे नहीं लगते। तो ये देखिए मैं कैसे शेप कर रही हूँ उसको, देख रही हूँ मैं लेंथ बराबर हुई है या नहीं, कहाँ पे फीलिंग्स बची है या नहीं। तो ये एकदम अच्छे से एक कॉर्नर निकाल दिया, यू ये हो गई है मेरी आईब्रोज। अब मैं इसको कंसीलर से हाईलाइट करूंगी थोड़ा, मतलब जो है वो एकदम अच्छे से दिखने के लिए। पहले मैं आईज के ऊपर लगाती हूँ, और ये मैंने लिया है ब्यूटी ब्लेंडर। इसको पानी में अच्छे से वेट करना है, और इसका जो भी एक्सेस वाटर पूरा निकालना है, पूरा एक्स्ट्रा वाटर निकालना है, इसमें थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो ये अभी मैं ले रही हूँ कंसीलर, और उससे मैं कर रही हूँ अपने आईब्रो को आउटलाइन, ताकि हमारे आईब्रोज एकदम उठ के दिखे। जब भी हम कंसीलर से आईब्रो को आउटलाइन करते हैं ना, तो एकदम नेचुरल और एकदम ऐसा एनहेंस हो जाता है लुक थोड़ा, मतलब ऐसे ब्राइट ब्राइट दिखने लगते हैं। तो यही मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ, देखिए पहले नीचे मैंने कर दिया, फिर उसको ऐसे ब्लेंड करना है, देख रही हूँ बार बार चेकिए ना चेकिए। तो ये अभी ऊपर साइड में, ऊपर साइड में एकदम याद रखना, ऐसे ध्यान से करना। और ये देखिए ऐसे कॉर्नर में निकालना है हमको। तो ये देखिए ये लगाते ही कैसे हमारे आईब्रोज एकदम ऐसे उठने दिख जा दिखने लगे। वैसे मैं मेकअप भी अच्छा कर लेती हूँ है ना। अभी तो मैंने और भी चीजें मंगाई हूँ, और बस ये कंसीलर को अभी मैं सेट कर रही हूँ थोड़ा से कॉम्पैक्ट पाउडर से। लूज पाउडर मुझे नहीं पसंद है वो, इसके लिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज करती हूँ। और ये वाला आई शेडो मैं यूज कर रही हूँ अभी, जो कि मेरे ड्रेस से मैचिंग है। तो पहले ये मैंने लगाया है अपने ऊपर, ऐसे आउटलाइन किया है उससे आई लीड पे, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है पूरा, अच्छे से कॉर्नर्स वगैरह सब ऐसे ब्लेंड करना है। वैसे ही ये साइड भी करना है। मुझे पहले मेकअप इतना अच्छे से नहीं आता था, लेकिन अभी करते करते सीख गई हूँ। और थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हो भी जाए तो समझ के लेना, नेगेटिव कमेंट मत करना, क्योंकि अभी अभी तो मैं सीख रही हूँ। तो ये मैंने बीच में भी दूसरा वाला कलर थोड़ा सा लाइट जो होता है ना वो कलर फिल किया है, लेकिन वो कुछ लाइट नहीं लग रहा है मुझे, सेम ही दिखाई दे रहा था। इसके लिए मैंने आप लोगों को कलर ही नहीं बताया, क्योंकि सेम ही लग रहे थे वो दोनों भी लगाने के बाद। तो ये हो गया, अब मैं इस पे लगाऊंगी ये शिमरी शेड, जिससे थोड़ा सा ऐसा चमकी चमकी से लुक आएगा, मतलब अच्छा दिखेगा। चमकी चमकी अच्छी लगती है ना आई शेडो में, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। पहले तो मैं पूरा ऐसे चमकी का ही ज्यादा लगाती थी, किधर बाहर शादी वगैरह में जाना होता था तो
और ये अभी लगाते हैं आईलाइनर। तो ये आईलाइनर है मेरा स्वीस ब्यूटी का, बहुत ही अच्छा आईलाइनर है, लेकिन अभी ये भी खत्म होने आ गया है, आईलाइनर भी लेना पड़ेगा। मुझे तो ब्लू हेवन का आईलाइनर ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अभी ये था तो मैंने बहुत दिन यही यूज की। तो ये देखिए ऐसे परफेक्ट, थोड़ा सा ऐसे कॉर्नर्स बाहर निकाले तो हमारी आईज अच्छे दिखते हैं, आईज का शेप अच्छा दिखता है। और मैं आईज क्लोज ही नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी आंख इतनी बड़ी बड़ी है, और ऐसे खोलने के बाद भी वो ऊपर नहीं लगती है ऊपर की, नहीं तो हड्डी को ऐसे लोगों की आंख लग जाती है आईलाइनर। तो ये हो गया आईलाइनर लगा के, और अभी मैं ये लगा रही हूँ मस्कारा। अभी तो मैंने आपको ये नहीं बता रही हूँ सब नाम कि मैं कौन से प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। अगर आपको प्रोडक्ट्स भी जानने हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स है डिटेल में, क्योंकि मुझे भी इतने याद नहीं, तो फिर मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि नाम के साथ और प्राइस के साथ मेरे प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट। अभी ये लगाते हैं हम काजल। अगर आपकी आँख छोटी है तो आप व्हाइट काजल भी लगा सकते हो, मेरी तो अच्छी खासी बड़ी बड़ी है जरूरत नहीं है व्हाइट काजल की, लेकिन एक बार मुझे व्हाइट काजल भी ट्राई करना है यार। ये हो गया मेरी आंखों का मेकअप। तो वो उसी शेड जो मैंने ऊपर लगाया आई शेड, उसी का थोड़ा सा ऐसे नीचे भी लगा लेना है। आईलाइनर जहाँ तक लगाया है ना, बस वो कॉर्नर तक लगाना है। तो देखिए लुक एकदम अलग हो जाता है, उससे भी अच्छा दिखता है हमारा आई मेकअप। और आप लेंस पहनते हो तो लेंस भी लगा सकते हो, मैं तो नहीं लगाती हूँ। तो ये हो गया मेरा आई मेकअप रेडी। अभी करते हैं हम फेस का। ये फेस के लिए मैंने लिया फाउंडेशन। फाउंडेशन मैं बता तो रही हूँ लेकिन इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, ये फाउंडेशन मेबलिन का है। तो ये अभी लगाते हैं ऐसे डॉट 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 देने का हमारे फेस पे, नोज पे, फोरहेड पे, और मैं नेक के ऊपर भी लगा रही हूँ, थोड़ा सा ले लिया है और नेक पे भी, वरना क्या हो जाता है ना हमारा फेस अच्छा दिखता है और नेक ऐसा काला काला सा दिखता है। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर से अभी हम इसको ब्लेंड करते हैं। देखो एकदम अच्छे से ध्यान से, कहीं आप करते करते आईब्रो पे ना बेंड कर ले ऐसी गलती मत करना क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगी वरना। ये देखिए मैंने ये अच्छे से लगा लिया है, और मैं ये एक ब्रश है उससे थोड़ा जो भी एक्स्ट्रा है वो निकालने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे करके कैसे फिर इक्वल हो जाएगा वो पूरा, इसलिए मैं ये ब्रश से कर रही हूँ, नहीं तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ही सब किया है। तो ये देखिए लुक एकदम से चेंज हो जाता है। और ये मैं लगा रही हूँ अभी कंसीलर, जहाँ पे भी आपको डार्क स्पॉट लग रहे हैं वहाँ पे आप कंसीलर लगा सकते हो। ये देखिए ऐसे, और ये कंसीलर भी मेबिलिन का ही है। मेन ब्लेंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, हमारे कुछ ऐसे पैचेस वगैरह नहीं दिखने चाहिए। उसके लिए ब्लेंडर में जो मैंने बताया ना, जब हम भिगाते हैं ब्लेंडर तो उसका पूरा पानी अच्छे से निचोड़ना है। ये देखिए अभी इसको भी मैं सेट कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर से, और मैंने आप लोगों को बताया नहीं ये कॉम्पैक्ट पाउडर है कलर एसेंस का, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में होता है ये, और ये CP1 शेड है। इसमें दो शेड आते हैं CP1 और CP2, और मुझे तो यही कॉम्पैक्ट अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर, ये फैन ब्रश से यहाँ पे लगा दिया, और ये गलती से मैंने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन यहाँ पे मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैंने वापस से इरेज किया। जैसे कि मैंने आपको बताया है ना कि मुझे इतना मेकअप नहीं आता था, थोड़ा बहुत सीख रही थी, लेकिन ठीक है चलो ये कर दिया मैंने। ऊपर का तो क्लीन अभी तो दिख रहा नहीं है ना वो। और फिर मैंने ये ब्रश लिया और इससे मैंने किया ब्लश, ब्लशर लगाया है इस पे रेड रेड सा, पिंक पिंक सा, मस्त मस्त एकदम। यहाँ पे भी लगाया, थोड़ा नाक पे भी लगा दिया रेड रेड। फिर ये कॉर्नर्स को मैंने लगाया है थोड़ा सा रोज गोल्ड उससे भी, और थोड़ा सा मैंने ये आईब्रोज के नीचे भी लगाया है,
ताकि आईब्रोज भी हमारी उठ के दिखे, और थोड़ा सा लिप्स के ऊपर। अब मैं कर रही हूँ ये लिप को आउटलाइन, क्योंकि अभी बारी है लिपस्टिक की। लिपस्टिक के बगैर तो मेकअप ही अधूरा है। तो ये अच्छे से मैं आउटलाइन कर रही हूँ। याद रखना, जो भी हमारी लिप लाइनर होता है ना, उसका शार्प, एकदम ऐसे शार्प होना चाहिए वो, उसका पॉइंट होना चाहिए, फिर अच्छे से लग जाता है वो। तो हमें होटे से हमारे लिप्स जो ऐसे ढीले ढीले रखने, एकदम ऐसे टाइट नहीं करने, ढीले से रखने, और ये ऊपर का उठा के थोड़ा सा कॉर्नर में भी लगा देना है। तो बस ये हो गया। अब मैं इस पे लगा दूंगी लिपस्टिक। तो ये कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं, मैट लिपस्टिक है ये रेने की, और बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है यार ये, मेरी तो फेवरेट है। इसके तो दो शेड मैंने खत्म भी कर दिए। अभी और तीन बचे हैं मेरे पास, उसमें से ये है कि इसका नाम आई थिंक फ्लोरल कुछ तो ऐसा है। बहुत अच्छी है लिपस्टिक। तो पहले ये सेंटर में ऐसे अच्छे से शेप देते हुए, पूरा ऐसे स्प्रेड कर लेना है। आप कोई भी लिपस्टिक लगा सकते हो, मतलब अगर पिंक है तो पिंक लगा लो, रेड लगा लो। हाँ, मुझे याद आया, ये रहने की लिपस्टिक का नाम है हंगरी फॉर बेरी, हंगर फॉर बेरी। हाँ, आप लोग भी ले सकते हो, ये शेड बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये शेड, ये देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है। लिपस्टिक तो माइंड ब्लोइंग है, मेन काम जो होता है ना लिपस्टिक का ही होता है मेकअप में, और लिपस्टिक मेन अच्छी होनी चाहिए। तो ये मैंने कर दिया है मेकअप। तो कैसा लग रहा है लुक, देख के बताना। ये लास्ट सेटिंग स्प्रे, ये अच्छे से मार देना है हमारे फेस पे, ताकि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। हाँ। ज्यादा यूजुअली तो मैं नहीं मारती हूँ सेटिंग स्प्रे, क्योंकि मुझे इतना नहीं पसंद है, लेकिन कभी कभी मार देती हूँ। फिर थोड़ा सा ऐसा मैट फिनिश आता है, तो इसको थोड़ा ड्राई होने देते हैं, सूखने देते हैं, और फिर ये देखिए मेकअप रेडी हो गया है। तो कैसा लग रहा है? और कॉन्टोरिंग मुझे नहीं अभी तक इतनी आती, इसके लिए मैंने वो नहीं किया। तो ये मैंने बांध दिया है दुपट्टा, और हो गई हूँ मैं रेडी। कैसा लग रहा है मेरा लुक, जरूर बताना। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आप लोगों को मेरा मेकअप बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी गलती लगी होगी तो मुझे जरूर बताना, लेकिन अच्छे से, ठीक है? तो चलिए फिर, ये वीडियो यहीं तक था। लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।